केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने रविवार को कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करना ऐतिहासिक है। किशन रेड्डी ने कहा कि एक राष्ट्र एक संविधान ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपना था। अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद यह पूरा हो गया। वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने कहा कि अब पाकिस्तान को पाक अधिकृत कश्मीर पीओके को खोने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। किशन रेड्डी ने कहा, डॉक्टर अंबेडकर ने भारत का संविधान लिखा जो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था। हाल ही में नरेंद्र मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 और 35 से खत्म करते हुए डॉक्टर अंबेडकर का एक राष्ट्र एक संविधान का सपना भी पूरा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट एसटी और पिछड़ा वर्ग को मिलने वाला आरक्षण और सूचना का अधिकार अधिनियम भी जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था। सेब की खेती करने वाले किसानों को फायदा होगा, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा। अनुच्छेद 370 खत्म होने से पहले जम्मू कश्मीर में सेब किसानों को सही लाभ नहीं मिल पाता था। व्यापारी सेब की असल कीमत का 30% दाम ही किसानों को देते थे, लेकिन अब मोदी सरकार इन किसानों के लिए एक नई योजना लाई है। इसके तहत किसानों को प्रत्येक सेब के लिए वास्तविक कीमत ही दी जाएगी। भारत आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेगा, रूपाणी। वहीं विजय रूपाणी ने वडोदरा में भारत एकता मंच के कार्यक्रम में कहा, अनुच्छेद 370 खत्म हो चुका है, अब पीओके भी जल्द हमारा होगा। पाकिस्तान को पीओके खोने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। अखंड भारत का सपना पूरा करने के लिए हम पीओके के लिए कदम बढ़ाने को तैयार हैं। पाकिस्तान को आतंकियों को समर्थन देना भी बंद कर देना चाहिए। भारत यह सब सह नहीं करेगा। 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग किया था, रूपाणी ने कहा। इससे पहले भी पाकिस्तान 1971 में दिल्ली पर कब्जा करने का दावा कर रहा था, लेकिन वे कराची भी बचाने लायक नहीं रहे थे। तब बांग्लादेश का विभाजन हुआ, पाक सेना हमारी शरणार्थी बन गई थी। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 खत्म करते हुए जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया था। इसके तहत जम्मू कश्मीर में विधानसभा रहेगी।